Assalamu alaikum guys, this is Hussain Memon here. और न्यूज़ आ रही है कि मुंबई में फिर से लॉकडाउन हो गया है और काफ़ी वीडियोज़ भी आ रही है जहां पे लोग जो है दुकानदार जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप जानते हैं कि उनकी जो रोटी रोज़ी है वो बंद हो जाती है। अब मसला ये नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर लॉकडाउन हो रहा है तो क्या स्कूलों की फीस माफ नहीं होनी चाहिए? क्या लाइट के बिल के अंदर 50% का डिस्काउंट गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए? अब चाहे वो जो भी तरीके से प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कंपनीज के साथ उनका कोलैबोरेशन हो, एग्रीमेंट हो, जो भी हो, कुछ भी हो, वो गवर्नमेंट और जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है वो मिलके इस बात को डिसाइड करे। अभी एक बेसिक बात ये है कि चाहे 10 घंटे का लॉकडाउन हो या 9 घंटे का लॉकडाउन हो, दुकानदार का तो लॉस होता ही है। अगर हम एमएनसीज की बात करें, आईटी कंपनीज की बात करें, तो उनका जो है वर्क फ्रॉम होम उन्होंने दे दिया है, उनकी बिल्डिंग्स बंद है, उनका जो फ्री ट्रांसपोर्ट, सब्सिडाइज फूड और जो उनका लाइट का बिल आता था इसी का, 8-8 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बिल्डिंग किसी की, किसी में 5,000 एम्प्लॉयज काम करते थे, किसी में 10,000 एम्प्लॉयज काम करते थे, तो उनका वो पैसा बच रहा है। मगर वर्क फ्रॉम होम देने के बाद क्या लोगों के अंदर जो है बेनिफिट या सहूलत लोगों को दी गई है कंपनी की तरफ से? जब मैंने लोगों से बात की जो एमएनसी में काम करते थे, कुछ कंपनीज के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि उनका वर्क प्रेशर और बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। लाइट का बिल जो है वो कंपनीज कवर नहीं करती, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का पैसा वो देते हैं मगर लाइट बिल का वो नहीं देते। तो मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपका फैन चल रहा है, पूरा दिन 10 से 12 घंटे चल रहा है, तो वो पैसा जो है आपको आपकी सैलरी में से देना है। और एक आदमी मान लीजिए एमएनसी में काम करता है, एक घर का एक बंदा जो है दुकानदार है, शॉप ओनर है, तो उसका तो ऑलमोस्ट 50% या 75% उसका जो है धंधा चल रहा है, मगर 25% जो इनकम थी वो बंद हो गई है। अब बात करते हैं पुराने लॉकडाउन की, जो मुंबई के अंदर 7 महीने, ऑलमोस्ट 7 महीने था, 6 या 7 महीने था, तो उस लॉकडाउन के अंदर सब काम धंधे मोस्टली बंद थे और लोग घर पे बैठे हुए थे, जॉबलेस थे, तो जो जिन्होंने कर्जा ले लेके घर का निज़ाम चलाया, घर की सिचुएशन को हैंडल किया, जब लॉकडाउन खुला तो उन्हें लगा कि चलो यार अब पुराने कर्जे देंगे, सेविंग की तो बात ही नहीं हो रही, हम सेविंग की बात ही नहीं कर रहे, जो पुराने कर्जे हो गए हैं उनको अदा करने का जब टाइम आया, 2-4 महीने या 6 महीने नहीं गुजरे थे कि फिर से नया लॉकडाउन आ गया। तो क्या ये लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ उसको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नर्वसनेस सिर्फ इसी के अंदर उसको डुबोते जा रहा है? एक बात ये देखने की है, सोचने की है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने का ये मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, लॉकडाउन होने का ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, आपको स्कूलों की फीस देना नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन होने का ये मतलब नहीं है कि आपको लाइट का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब आपको इतनी सारी चीजें देनी है तो आप लॉकडाउन करके एक आम आदमी को और तकलीफ में डाल रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन का डिसीजन गलत है, लेकिन अगर लॉकडाउन का डिसीजन सही है तो जो दूसरे खर्चे हैं वो कौन उठाएगा लोगों के? क्या गवर्नमेंट उठाएगी? क्या जो प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, प्राइवेट स्कूल्स है, वो स्कूल्स फ्री में कर देगी? स्टूडेंट्स की बात करें तो वो पहले ही बहुत प्रेशर में है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए समझना। और जो माँ बाप जिन्हें जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह भेजते थे वो भी बंद है ट्यूशन क्लासेस भी, तो और अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चला रहा है तो उनको प्लस ट्यूशन क्लासेस का भी पैसा देना है। तो क्या ये साल, 1.5 साल या आने वाला और 6 महीने कैलकुलेट करो या मार्च 2022 तक कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये 2 साल क्या बच्चों की जिंदगी के वेस्ट जाने वाले हैं? क्या ये 2 साल के अंदर एक आम आदमी इतने कर्जे में आ जाएगा कि शायद आने वाले 5-8 साल तक सिर्फ वो अपने कर्जे ही उतारता रहेगा और जो बेनिफिट्स उसको मिलना चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि डिस्काउंटेड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट
कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम पे स्कूलों की फीस जो है माफ हो जानी चाहिए थी, स्कूल बंद है, लाइट के बिल बच रहे हैं, बस सर्विस का पैसा बच रहा है, कंपनीज का पैसा बच रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट का, सब्सिडाइज मील्स का, तो क्या एक आम आदमी को ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए थी? ये सवाल मैं करता हूँ जो है जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे, और जो इस वीडियो को जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट वाले सुन रहे हैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ। और दूसरी बात ये कहूंगा कि जो वीडियोस हम देख रहे थे कि जैसा चाइना के अंदर सैनिटाइजेशन हो रही थी, दुबई के अंदर सैनिटाइजेशन हो रही थी, क्या आपकी गली में, आपके मोहल्ले में उस लेवल की सैनिटाइजेशन हुई है? क्या आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई आया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जिसने इस लेवल की सैनिटाइजेशन की हो? शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि चाइना के लेवल की सैनिटाइजेशन या दुबई के लेवल की सैनिटाइजेशन हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में हुई है। कोई आया है तो 6 महीने या 4 महीने में एक बार आया है, और वो भी उसने जो भी बिल्डिंग के बाहर या गली के जो है बॉर्डर्स के ऊपर सैनिटाइज करके वो चले गए, बस एक या दो बार ऐसा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। एहतियात रखने की बात है तो मास्क पहन के हमको 14-15 महीने या 13 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं मास्क पहनते हुए, और अगर मास्क पहनने से भी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से भी, लॉकडाउन के अंदर रहने से भी अगर जान नहीं बच रही, कोरोना वायरस बंद नहीं हो रहा फैलना, तो क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को और डॉक्टर्स को मिलकर कुछ डिसाइड करना चाहिए जिससे एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। ये बहुत ज्यादा होते जा रहा है, अगर गवर्नमेंट का डिसीजन सही है लॉकडाउन का तो उनके खर्चों का भी डिसीजन उनको करना चाहिए। और जो है अगर सिर्फ एक वन साइडेड रहेगा कि भाई गवर्नमेंट लॉकडाउन ही कर रही है और उनका कहना है लोगों के लिए सही है, तो फिर लोगों के खर्चे कौन देगा? लॉकडाउन के अंदर मोस्ट ऑफ द लोगों के जो है 25-30% इनकम उनकी कम हो जाती है। अब किराएदार जो दुकानदार हैं किराए पे लेके चला रहे हैं, कितने ऐसे घर शॉप ओनर्स है जो किराया माफ नहीं करते, कितने ऐसे हाउस ओनर्स है जो घर का किराया माफ नहीं करते, तो उस सूरत के अंदर क्या डिसीजन होना चाहिए गवर्नमेंट का उनके लिए? या तो गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन पीरियड के अंदर 50% रेंट और 50% हाउस रेंट, शॉप रेंट, स्कूल फीस, लाइट बिल, ये सब माफ करा दे, या तो लॉकडाउन जो है सिर्फ रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस तरह का कुछ कर दे ताकि जिससे लोग काम भी कर सके और जो है उनकी फाइनेंशियली उनको कुछ इम्पैक्ट नहीं हो। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो, कि प्लीज ऐसे डिसीजन लीजिए और ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे एक आम आदमी लॉकडाउन को भी फॉलो करे और उसको फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट नहीं हो। वरना एक आदमी जो है कोरोना से तो बच जाएगा मगर घर के खर्चों की वजह से, बच्चों की पढ़ाई की जो बर्बाद हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, कल जो ख्वाब देख रहा था इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, आज वो 10वीं पास कराने के लिए भी अपने बच्चे को स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे डिसीजंस लीजिए जो एक आम आदमी की और आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उन पे इम्पैक्ट नहीं करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।